दोस्तों, हाथ के अंगूठों पर बना अर्ध चंद्रमा का आकार देता है कुछ संकेत। जी हाँ, क्या संकेत देता है यही तो जानने हम आज इस वीडियो में आए हैं, मैं बताने और आप सुनने जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रोग्राम और जानते हैं अर्ध चंद्रमा का रहस्य क्या है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ विशेष और एडिशनल जानकारियां। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं हाथ के अंगूठों पर बने जो चंद्राकार होता है, अर्ध चंद्रमा होता है, इसका एक बहुत विशेष महत्व है और ये कुछ बातों का, कुछ गुणों का संकेत करता है। पर वो संकेत क्या करता है, इसके संकेत का अर्थ क्या है, यही सारी चीजें डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्त, हो सकता है कि आपके हाथ पर भी, हाथ के अंगूठे के नाखून पर अर्ध चंद्रमा का आकार हो सकता है। अर्ध चंद्रमा का आकार जो है एक तो बहुत बड़ा होता है, अंगूठे पर पूरा आधा अंगूठा घेरा हुआ होता है, एक वो होता है। दूसरा, होता ही नहीं है। तीसरा, बहुत थोड़ा सा नीचे दिखाई देता है, हल्का सा। तो ये तीन प्रकार से यहाँ पर ये अर्ध चंद्रमा दिखता है। तो हो सकता है कि आपके हाथ में भी ये चंद्रमा हो, लेकिन इसके रीजंस हैं क्यों होता है, और अगर है तो इसका प्रभाव क्या है, फल क्या है, और जिनके अंगूठे पर ये चंद्रमा होता है वो लोग कौन होते हैं, क्या वो कोई स्पेशल होते हैं या फिर ये एक गलत प्रभाव के लिए दिया हुआ दैवीय अवगुण है, या फिर ग्रहों का प्रकोप है, या फिर हमारे कर्मों का प्रकोप है, जान लेते हैं डिटेल्स में। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अंगूठे पर जिनके ये चंद्रमा बना हुआ होता है, मेरी जानकारी के अनुसार और मेरे शोध के अनुसार, वो व्यक्ति अधिकतर देवगण, कुंडली में होता है ना, राक्षसगण, मनुष्यगण, देवगण, तो ये देवगण वाले अधिकतर मनुष्य होते हैं जिनके हाथ में ये चंद्राकार अधिक होता है। और इस चंद्राकार के बहुत ही शुभ गुण है, बहुत शुभ संकेत हैं, और वो इस प्रकार से है कि मेरे शोध के अनुसार जिन भी व्यक्तियों के हाथ पर यह चंद्रमा उभरा हुआ होता है, उनके अंदर दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। सिर्फ देवगण के नहीं होते, दैवीय गुण उनके अंदर होते हैं। ऐसे दैवीय गुण का मतलब है अलौकिक गुण, जो सबके अंदर नहीं होता है ना। अलौकिक मतलब इस लोक का नहीं है। जैसे कई लोगों के अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं, है ना। किसी के अंदर देवी खेलती है, तो किसी पे हनुमान जी आते हैं, तो कुछ और भी अलग तरह के जो गुण हो सकते हैं दैवीय गुण। मैं तो यूं कहूंगा कि इसमें एक गुण ये भी है, ये दर्शाता है संकेत कि ऐसे व्यक्ति सिक्स सेंस, जिनके पास जो होता है सिक्स सेंस के बहुत अच्छे मालिक होते हैं। इनका जो सिक्स सेंस है वो औरों से बहुत बेहतर काम करता है। वो इसलिए कि सोचने समझने की शक्ति ऐसे लोगों के अंदर कुछ स्पेशल होती है, ऐसे स्पेशल कि व्यक्ति के इंप्रेशन से ही, व्यक्ति के हाव भाव से ही ऐसे व्यक्ति पहचान जाते हैं कि ये क्या करने वाला है और मुझे क्या करना है। साथ ही में और बहुत सारे गुण हैं इनके, लेकिन कुछ गुणों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप जान पाए। दैवीय गुण की बात मैंने करी और इनकी वाणी भी सिद्ध होती है ऐसे लोगों की, जो ये आप कभी भी चेक कीजिएगा। ये लोग जब कभी कुछ बोलते हैं, बहुत समझदारी की बात करते हैं, क्योंकि एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एक अच्छे परिवार से होते हैं और ये जो बोलते हैं वो अक्सर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एक तो बुद्धिमत्ता बहुत तेज होती है इनकी, दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत तेज दिमाग के सोचने समझने की शक्ति के कारण जो है ये जो बोलते हैं वो सत्य दिखाई देता है, या फिर इनकी वाणी ही सिद्ध होती है कि जो बोलते हैं वो हो जाता है। दोस्तों, भविष्यवक्ता एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हैं। अब भविष्यवक्ता का भी मतलब यही है सिद्ध वाणी, यानी कि पहले ही बता दे ये ऐसे होगा भाई, और ऐसे ही होता है। मनमुखी होते हैं, अपने मन की करते हैं। अब चाहे बहुत फायदा ही क्यों ना हो रहा हो या नुकसान भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इनकी समझ में आएगा वही ये करेंगे। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारियां मतलब होती हैं लेकिन इन्हें नहीं करनी पड़ती, इनके बदले कोई और ही जिम्मेदारियां निभा देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं देखने के, आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टेबल होते हैं। ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं, इसलिए अपने जीवन में उच्च पदों पर ये आसीन होते हैं। अच्छे पद, सम्मानित पद, जहाँ बहुत अच्छे इज्जत भी मिलता हो, पैसा भी मिलता हो, ऐसे पदों पर जाकर के बैठते हैं और खुली आंखों से सपने देखने वाले होते हैं। हालांकि उन्नत पदोन्नति इन जीवन में चलती रहती है, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं, बहुत अच्छी इज्जत भी होती है और लेकिन उसके बावजूद भी खुली आंखों से इन्हें ख्वाब या सपने आप कहें देखने बहुत पसंद है और देखते रहते हैं। इसके अलावा ये चाहते हैं कि मैं हर फील्ड में अग्रसर रहूं, हर फील्ड में मैं कुछ ना कुछ बन जाऊं। जैसे क्रिकेट देख रहे हैं तो मैं क्रिकेटर होता, बढ़िया रहता, है ना। मैं जिस भी फील्ड में, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है या कुछ भी, तो ये चाहते हैं कि मैं ऐसा बनता। इस तरह के सपने, ये ख्वाब देखने वाले इनके अंदर ये होती है। इसीलिए जीवन में ये कुछ इनके अपने सिद्धांत होते, सैद्धांतिक होते हैं और सिद्धांतवादी होते हैं, जिसके कारण जो है काफ़ी उन्नति और प्रसिद्धि ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी मिल जाती है। जिम्मेदार बहुत छोटी उम्र से ही होते हैं, पढ़ने लिखने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं और दोस्तों कर्मठ व्यक्ति होते हैं, लंबी आयु के होते हैं और लंबी आयु तक भी इन्हें कोई रोग जल्दी से घेरता नहीं है। इसलिए दोस्तों इनके हाथ में ये चंद्रमा है। चंद्रमा और भी बहुत अच्छे अच्छे संकेत और गुण इन व्यक्तियों को देता है। अर्धचंद्राकार के जो व्यक्ति जिनके अंगूठे में होंगे उनको सेम उनकी वाइफ भी उसी तरीके की मिलती है, या वाइफ के हैं तो पति वैसे मिलते हैं। और वाइफ बहुत अच्छे घर से, समझदार, पढ़ी लिखी, हर प्रकार से सपोर्टेबल होती है। आप देखिएगा इस पर रिसर्च करके। इसलिए प्रेम संबंध ऐसे व्यक्तियों का बहुत अच्छी तरीके से बनता है और लंबा चलता है। इसलिए पारिवारिक गतिविधियों में बहुत अग्रसर और क्षमतावान होते हैं, धैर्यवान होते हैं। धैर्य बहुत अच्छा होता है इनके अंदर, इसीलिए एक तो उनको सक्सेस जल्दी मिल जाती है, पर अगर सक्सेस जल्दी नहीं भी मिली तब भी ये लंबे समय तक सर्वाइव करने योग्य होते हैं, क्षमतावान होते हैं। इसीलिए जीवन में प्रसिद्धि पाते हैं और संभावनाएं इनकी पदोन्नति, प्रोग्रेस, पैसे की बात करें तो पैसे में पैसे प्राप्ति के योग इनके बहुत अधिकतर रहते हैं। और जिनके जिनके अंगूठे पर यदि चंद्राकार बिल्कुल थोड़ा सा हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो, आधे अंगूठे के बराबर, तो उनको, या नहीं हो तो उनको हृदयघात की बीमारी कह सकते हैं, यह हृदयघात की घटना, प्रकोप जीवन में रहता है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स, और कम उम्र जीते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं कुंडली एनालिसिस प्रोडिक्शन के लिए। जो भी जानकारी मैं संजो पाया था और जो मेरा शोध था वो मैंने आपसे कहा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।